हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सरम। स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 1725 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो हमारे पास जो एपी है, एपीएससी है 9 17 25। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, a2 - a1 यानी कि 17 - 9। मेरे ख्याल से आंसर मिलना चाहिए 8। डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है। अब फर्स्ट टर्म क्या है, a यानी कि 9 है, और हमें कितने नंबर ऑफ द टर्म का सम होगा वो कितना है, sn इज इक्वल टू 636 है, और हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू क्या होगी। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 p, इसके अंदर पुट कर दो 636 इज इक्वल टू एन, एन यानी कि क्या है, तो फाइंड आउट करना क्या क्या है, 2a, a की वैल्यू आपके पास 9 है, n-1 एज इट इज, डिफरेंस d कितना है 8। पहले अंदर की साइड सिंप्लीफाई कर दो, n/2 9 2 18 प्लस 8 into n यानी कि 8n, 8 into -8 ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा n/2, 18 - 8 करोगे तो 10 + 8n, n/2 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई करो तो 10/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 5n मिलेगा, और यहाँ पे 8n/n कर 8n * n करो तो n² हो जाएगा, और 8/2 करोगे तो क्या होगा 4n², यहाँ पे 636। और यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा, therefore we write as 4n² + 5n - 636 = 0। तो 636 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका डिफरेंस क्या है, सॉरी 636 नहीं बट 2 × 2 636 2 से डिवाइड करेंगे 318 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1509, और 1509 को आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करेंगे 53 ठीक है, 3 × 2 = 4 × 4 = 8 × 8 = 16 16 × 3 = 48 48, और 53 के दोनों का डिफरेंस है वो तो 4n² माइनस सॉरी प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 = 0। फर्स्ट टू टर्म में से n के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ पे n कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 4n + 53, और यहाँ पे से 4n के लिए क्या निकालेंगे 12 कॉमन निकालेंगे, 12 निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 - 12 कॉमन, 4n + 53 = 0। नाउ आगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते, तो 4n + 53 दोनों में से कॉमन निकाल तो n - 12 = 0, यहाँ पे 4n + 53 = 0 होगा, और n - 12 = 0 होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिलेगी -53/4, इट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिल जाएगी -12 सामने की तरफ तो +12 हो जाएगा, सो n = 12, सो नंबर ऑफ द टर्म्स इज 12, ओके आपका जो मेन आंसर है वो कितना है 12 आंसर होगा, कि हम फर्स्ट 12 टर्म टेकन करेंगे तो हमें उसका सम कितना मिलेगा 6636 आंसर मिलेगा। एक बार वापस सॉल्यूशन समझ लेते हैं, ओके 636 / यहाँ पे n/2 2 a की जगह पे 9 और n - 1 × 8, तो यहाँ पे 9 2 18 होगा, 8 × n करोगे 8n और 8 × -1 = -8, 18 - 8 करोगे तो 10 होगा, और सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 5 * n यानी कि 5n होगा, और
एन इंटू 8 n करोगे तो 4 n² मिलेगा, 4 n² 5 n, 636 सब्ट्रैक्शन कर दोगे, और बाद में तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर निकालने हैं आपके, तो ऐसे फैक्टर नहीं है जिसका डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या 53 और 48 के ऐसे ऐसे फैक्टर मिल जाएंगे जिसका डिफरेंस आपको जो आपको रिक्वायर्ड है उसके बीच मिलेगा। तो n माइनस 12 और 4n प्लस 53, तो उसमें भी 4n प्लस 53, उसमें माइनस 53 बाई 4 मिलता है जो पॉसिबल नहीं है, और n की वैल्यू माइनस 12 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, n माइनस 12 के लिए आपको n की वैल्यू 12 मिल जाएगी। सो नंबर ऑफ द टर्म्स इज 12। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।